हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है विकास 310। फ्रेंड्स, अगर आप एक यूट्यूबर हैं और आपका कोई गेमिंग चैनल है लेकिन आपने अभी तक अपने गेमिंग चैनल के लिए कोई भी इंट्रो वीडियो नहीं बनाई है, आपको वो बनानी नहीं आती और आपको ये भी नहीं पता कि इंट्रो वीडियो कैसी होती है, फ्रेंड्स अगले इन कुछ सेकेंड्स की वीडियो को ज़रूर देखिए। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी इस तरह की इंट्रो वीडियो अपने गेमिंग चैनल के लिए बनाना चाहते हैं तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में मैं आपको यही सिखाने वाला हूँ कि आप अपने गेमिंग चैनल के लिए इंट्रो वीडियो को कैसे बना सकते हैं, वो भी सिर्फ एक एप्लीकेशन काइंड मास्टर का यूज़ करके। आपको और किसी भी एप्लीकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव है तो वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें ताकि आपको मेरी आने वाली हर एक नई वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिले। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन के ऊपर। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें हमें सबसे पहले काइन मास्टर की एप्लीकेशन है उसके अंदर जाना है। काइन मास्टर को ओपन कर लेंगे तो ये इस तरीके से ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको ये प्लस का आइकन दिखाई देगा, आपको इस प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ से 16:9 सेलेक्ट कर लेना है और अपने गैलरी में से वो मीडिया फाइल सेलेक्ट कर लेनी है, वो एनिमेशन फाइल। तो मैं उस फाइल को सिलेक्ट कर लेता हूँ इस पर क्लिक करके। और आप टेंशन मत लीजिए, मैं उस फाइल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा। आप वहाँ से जाके इजीली उसे डाउनलोड कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं, कॉपीराइट फ्री है। ठीक है, तो मैं इसमें जल्दी से उसे डाल लेता हूँ इस पर क्लिक करके। तो मैंने इसमें वो इंसर्ट कर लिया, आप देख सकते हैं। ठीक है, मैं इसका वॉल्यूम अभी थोड़ा डाउन कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे हम अपने चैनल का लोगो इंसर्ट करेंगे। ठीक है, तो मैंने एक रफली लोगो बनाया हुआ है। उससे पहले हम इसे सेट कर लेंगे कि हमें कहाँ पे लगाना है वो लोगो। तो जैसे मैं इसे यहाँ पे सेट कर लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद हमें इसके ऊपर वो लोगो लगाना है तो हमें यहाँ पे लेयर पे क्लिक करना है। ठीक है, और उसके बाद हमें मीडिया में क्लिक करके उस फोटो या लोगो को यहाँ पे इंसर्ट कर लेना है। तो मैं जल्दी से यहाँ पे इंसर्ट कर लेता हूँ उसे। तो इस तरीके से मैंने वो लोगो यहाँ पे इंसर्ट कर लिया है, आप देख सकते हैं। हम इसे यहाँ से पकड़ के इसका साइज़ कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं अभी इसका साइज़ इतना ले लेता हूँ। ठीक है, बाद में हम कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। और इसमें हमें सबसे पहले हम इसमें एनिमेशन इफेक्ट लगाएंगे। ठीक है, तो ये किस तरीके से आएगा, तो इन एनिमेशन के अंदर हमें इसे फेड करके देखते हैं। इस तरीके से आएगा, पॉप करेंगे तो इस तरीके से आएगा, स्लाइड राइट में इस तरीके से आएगा। इस तरीके से यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन हैं। तो हम यहाँ पे ये पॉप वाला अच्छा लग रहा है तो हम इस पॉप वाले को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से बैक आ जाएंगे या आप यहाँ से डन भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद दोबारा इस फोटो के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम आउट एनिमेशन इसमें लगाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी सारे एनिमेशन हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्लॉकवाइज है तो इस तरीके से घूम के वो आउट होगी। ठीक है, यहाँ से आप इसकी टाइमिंग सेट कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ नीचे देख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे सारी चीज़ें हैं। उसके बाद आप यहाँ पे ऊपर आके यहाँ पे फेड वाले पे भी क्लिक कर सकते हैं। फेड में ऐसे फेड हो जाएगा ये। उसके बाद इसे डन कर देंगे और दोबारा से इस फोटो के ऊपर ही क्लिक करेंगे। जो भी लोगो है आपका, इन एनिमेशन हमने एक पे रखा था तो हम आउट एनिमेशन को भी एक पे रखेंगे। सिमेट्री में करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहता है। तो आउट एनिमेशन में इसको हम यहाँ पे एक पे ले आएंगे। ठीक है, और उसके बाद इसे डन कर देंगे। तो एक बार प्ले करके देखते हैं। यहाँ से शुरू से ले आता हूँ, यहाँ पे प्ले करके देखते हैं। नहीं, कुछ इस तरीके से प्ले होगी, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, तो अभी साइज़ थोड़ा सा छोटा लग रहा है मुझे। आप चाहें तो इसे बड़ा भी कर अपने अकॉर्डिंग बढ़ा सकते हैं, मैं इसे इतना कर लेता हूँ। ठीक है, और इसके बाद ये यहाँ पे ही कट कर देते हैं इसे। यहाँ तक आ रहा है ये, तो हम यहाँ तक इसको पकड़ के जो अपने एनिमेशन है उसको यहाँ तक ले आए।
उसके बाद इसे एक बार फिर से प्ले करके देखते हैं वापस लाके। अब इसका साइज हमने बड़ा किया है तो अब कैसा लग रहा है, तो आप देख सकते हैं ये इस तरीके से और फिर ये ऐसे बाहर को आएगा। अब अच्छा लग रहा है पर अभी भी काफ़ी ज़्यादा टाइम ले रहा है। हम इसे और क्रॉप कर सकते हैं, हमारी जहाँ पे वो एनिमेशन ख़त्म हो रहा है हम वहीं से ले सकते हैं इसे। तो हम इसे यहाँ से चेक कर लेंगे कि वो यहाँ पे ऐसे आके और यहाँ पे ख़त्म हो गया, तो हम यहीं पे इसे क्लोज कर सकते हैं। ठीक है, 7 मिनट पे भी, तो हम इसे यहाँ पे पीछे ले आएंगे 7 सेकंड में। इसको इस पे क्लिक करेंगे और इसको भी कम कर देंगे इसी के बराबर। अब प्ले करके देखते हैं, तो ये इस तरीके से प्ले हो रहा है, अब देख रहे हैं आप सही लग रहा है। अब इसमें हमें टेक्स्ट एडिट करना है अपने चैनल का, हम नाम डालना चाहते हैं इसमें। लोगो तो हमने डाल दिया, अगर अब हम इसमें नाम डालना चाहते हैं तो हमें इस फोटो के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, तो ये इस तरीके से यहाँ पे हमें अपना नाम डालना है, तो हमें एक बार बाहर क्लिक करना है, तो ये फोटो के यहीं पे आ गया हमारा। ठीक है, यहाँ पे हमें दोबारा लेयर के अंदर जाना है और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास एक टेक्स्ट का ऑप्शन है, तो यहाँ पे हमें टेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब यहाँ से आपका चैनल का जो भी नाम है वो आप यहाँ से डाल सकते हैं। जैसे मैं एक रफली ले लेता हूँ कोई भी, आपको सिखाने के लिए, हाई फाई गेमर, GAMER, और यहाँ से ओके कर देता हूँ। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये टेक्स्ट की पोजीशन हो जाती है आगे पीछे करने की, हम उसे कहाँ रखना चाहें वहाँ रख सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसे जैसे थोड़ा सा इधर कर दूँ, अपनी फोटो के ऊपर रखना है हमें, तो इसको उठा के मैं इसे यहाँ पे ले आता हूँ। उसके बाद यहाँ पे बाहर क्लिक करके देखते हैं एक बार, इस तरीके से दिखाई देगा। और अगर हम चाहें तो इसमें यहाँ से टेक्स्ट है ये, इस पर क्लिक करके यहाँ से इसका फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं ये वाला करके देखता हूँ, नोटो सेरिफ बोल्ड, इस पर डन करते हैं, तो ये अब कुछ ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ये देखिए इस तरीके से। तो आपके जो भी चैनल का नाम है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अगर आपके चैनल का नाम बड़ा है, ज़्यादा बड़ा है, तो आप इसे यहाँ पे ना लिख के नीचे लिख सकते हैं इस लोगो के यहाँ पे। ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे और इसमें कुछ एडिट करना चाहें, अगर आप इसमें कलर वगैरह, तो आप यहाँ से इस पे क्लिक करेंगे। ठीक है, और इसमें अगर आप वाइटी कलर अच्छा लग रहा है वैसे तो अभी तो फिलहाल मैं यही रहने देता हूँ। और इसमें अगर और भी कुछ आप एडिट करना चाहें, इसमें आउटलाइन लगाना चाहें नाम में, तो आप यहाँ से लगा सकते हैं। से हम आउटलाइन लगा लेते हैं रेड कलर की। ठीक है, तो इसे इनेबल करेंगे और यहाँ पे हम इसमें से रेड सेलेक्ट कर लेंगे, से ओके कर देंगे, तो आप देख सकते हैं बाहर क्लिक करेंगे यहाँ पे ये इस तरीके से रेड लाइन आ गई है। और इसमें ही नीचे जाके हम इसमें और भी चीज़ कर सकते हैं, शेडो में, सॉरी आउटलाइन में, आउटलाइन पे क्लिक करेंगे, यहाँ से हम इसके वेट को कम ज़्यादा कर सकते हैं। मतलब आपको कितना मोटा रखना है ये जो आउटलाइन है वो यहाँ से हम सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर हम इसको आगे बढ़ा देंगे तो ये ज़्यादा कम ज़्यादा हो जाएगी। जैसे मैं ये देखो यहाँ पे ले आता हूँ और डन करूँगा तो कम, ये देखिए बढ़ गई वो। ठीक है, तो हम अभी 15 ही रखेंगे इसे, वापस यहीं पे ले आएंगे, 15 पे ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ठीक है, उसके बाद डन कर देंगे, फिर से टेक्स्ट पे ही क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमें ये सब हो गया, नीचे कर सकते हैं अब हम। अब इसमें भी अगर हम चाहें तो टेक्स्ट में भी हम वही एनिमेशन लगा सकते हैं। यहाँ पे एनिमेशन पहला पॉपअप लगा सकते हैं हम, लेकिन हम यहाँ पे फेड ही लगाएंगे, या हम नन रखना चाहें तो नन भी रख सकते हैं, तो वो सिंपली नाम के साथ रहेगा, लेकिन हम फेड रखते हैं इसको। इसे डन कर लेते हैं, इससे इसी पे क्लिक करेंगे और इसमें आउट एनिमेशन भी लगा देंगे। आउट एनिमेशन में भी फेड ही लगा के देखते हैं एक बार। ठीक है, डन कर देते हैं। और ये जो टेक्स्ट बाहर जा रहा है इसको हम यहाँ से पकड़कर वापस यहाँ तक ले आएंगे। ठीक है, जितना हमारी फोटो जब तक रहेगी वहाँ तक, तो अभी भी बाहर है हल्का सा, इसको और थोड़ा सा अंदर लाएंगे।
ठीक है, अब इसे एक बार प्ले करके देख लेते हैं हम आगे लाके, और एक बार इसे हम प्ले करके देखते हैं कि अब कैसा लग रहा है ये। तो ये इस तरीके से आएगा, फिर इसमें लोगो निकल के आएगा और नाम के साथ। अभी भी इसमें थोड़ा सा हल्का सा नाम हम टेक्स्ट का साइज जो है वो छोटा कर लेंगे, ठीक है। तो इसे पकड़ के हम यहाँ से छोटा कर देंगे, ठीक है, और बाहर क्लिक कर लेंगे। अब ये परफेक्ट लग रहा है, एक बार फिर से चला के देख लेते हैं इसे। तो हम इसे प्ले कर लेते हैं, इस तरीके से ये प्ले होगा यहाँ पे, ये इस तरीके से, ये अब अच्छा लग रहा है, ठीक है। और उसके साथ ये ऑफ भी हो गया। उसके बाद आपको इस वाले एरो पे जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, इस पे क्लिक करना है, और इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ एक्सपोर्ट करने के लिए बोलेगा। आपको रिजोल्यूशन इतना रखना है, अच्छी क्वालिटी आती है इससे, फ्रेम रेट आपको 30 पे रखना है, और ये आपका बिट रेट होता है। यहाँ से अगर आप इसको बढ़ाएंगे, जितना बढ़ाएंगे, जितना हाई लेंगे, उतनी अच्छी क्वालिटी आएगी। मैं आपको रिकमेंड करूँगा 8 से ऊपर ऊपर रखें आप, ठीक है, उसमें अच्छी क्वालिटी आती है, और 15 से ऊपर ना जाएं, ठीक है, क्योंकि इसमें शायद 15 तक का ही साइज होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको एक्सपोर्ट पे क्लिक करना है, और ये आपकी जो फाइल है वो एक्सपोर्ट होनी शुरू हो जाएगी। मैं आपको प्ले भी करके दिखा देता हूँ इसे, ये अब एक्सपोर्ट हो जाएगी 2 सेकंड के अंदर, ये हो गई है फाइल, ठीक है। तो ये यहाँ पे आ जाती है फाइल, हम यहाँ से प्ले कर सकते हैं, इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। और यहाँ से हम VLC में ही प्ले करके दिखा देता हूँ, इस तरीके से आएगी, ठीक है। और ये ऐसे अच्छी लग रही है काफ़ी इंट्रो, ठीक है। तो इस तरीके से काइन मास्टर का यूज़ करके, आपको किसी भी और ऐप का यूज़ नहीं करना, सिर्फ काइन मास्टर ऐप का यूज़ करके आप अपने यूट्यूब चैनल के लिए गेमिंग इंट्रो वीडियो बना सकते हैं। तो आपका कोई भी गेमिंग चैनल है तो आप इजीली अब इंट्रो बना पाएंगे उसका। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि आप किस तरीके से काइन मास्टर एप्लीकेशन का यूज़ करके अपने गेमिंग यूट्यूब चैनल के लिए एक इंट्रो वीडियो बना सकते हैं। अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।